नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव शंकर की पूजा में वे कौन सी गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान शिव शंकर को ऐसी वे एक क्या चीज है जिसे अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि दोस्तों शिवलिंग पर दूध दही बेलपत्र फूल ये सभी चढ़ाना तो सबको जानता है लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में जिस एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं, वह शायद ही आपको पता होगी। चीज है तो बेहद मामूली हो सकता है कि आपके घर में ही मौजूद हो लेकिन ये शिवलिंग पर जब चढ़ जाती है तो यह बहुत खास हो जाती है इसीलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके पूरा उपाय आप जान लें

अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान शिव शंकर के पास ये पांच चीजें कभी मत रखना क्योंकि अगर आपने रखी तो भगवान शिव शंकर हो जाएंगे आपसे बेहद क्रोधित दोस्तों पहली चीज है जहां कहीं भी आपके घर के मंदिर में भगवान शंकर की शिवलिंग हो प्रतिमा हो तस्वीर हो या मूर्ति हो वहां पर आपको चप्पल लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जरा सोचिए जहां आप रहते हैं जिस कमरे में आप रहते हैं निवास करते हैं वहां यदि कोई चप्पल पहनकर आ जाए तो आपको कैसा लगता है तो वो तो देवों के देव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो जब उनके पास आप ये लेकर जाते हैं चप्पल पहनकर जाते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है वे रुष्ट हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल भी आपको नहीं मिलता है दोस्तों दूसरी चीज तो शास्त्रों में भी वर्जित है अक्सर महिलाएं अपने मासिक धर्म में आने के बावजूद बिना किसी को बताए पूजा पाठ आदि कर लेती है जो कि शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वहा वहा देव सकती है, नाराज होकर शक्तियां प्रसन्न रहती है विद्यमान रहती है ऐसी जगह पर धन बरसने लगता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार रहता है इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो की शिवधारा को शांत रखता है कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं लेकिन कभी कभी उस पर जल चढ़ाते हैं तो अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग को भी मत रखिए क्योंकि गरुण पुराण में बताया गया है कि इससे घर का विनाश होने लगता है और पूरा परिवार पतन की ओर जाने लगता है दोस्तों पुराणों में यह भी वर्णित है कि तुलसी और शिवलिंग में वैर माना गया है इसीलिए कभी भी तुलसी के नीचे शिवलिंग व गणेश की मूर्ति को नहीं स्थापित किया जाता है कई लोग जाने अनजाने शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं इससे घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है इसीलिए दोस्तों शिवलिंग पर कभी तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए शिवलिंग में और तुलसी में सदैव एक सुनिश्चित दूरी होनी जरूरी है इसके अलावा दोस्तों अपने घर का मंदिर हो या फिर घर के बाहर का मंदिर हो ऐसे मंदिर में कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री के साथ संबंध बनाए हो स्त्री के संबंध बनाने के बाद शुद्ध होने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें ऐसे में दोस्तों जो कोई व्यक्ति स्त्री के साथ संबंध बनाने के बाद मांस मदिरा आदि इनका सेवन करने के साथ मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसे व्यक्तियों से महादेव रुष्ट हो जाते हैं ऐसे आचरण वाला व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार घोर पाप का दायित्व लिए होता है ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है इसी के साथ ही दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे शिवजी बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न हो जाते हैं यानी कि जब भी आप इन चीजों को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो जो भी आप हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज है शिवलिंगी के बीज शिवलिंग पर शिवलिंगी के बीज चढ़ाने से व्यक्ति निरोगी तो बनता ही है साथ ही धनवान भी बन जाता है दूसरी चीज है दोस्तों आंकड़े के पौधे के फूल जी हाँ दोस्तों जो कोई व्यक्ति निर्धन हो या फिर कर्जे में धस चुका हो या फिर धन प्राप्त करने की उसकी तीव्र इच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर आंकड़े के के फूल फूल अवश्य चढ़ाने चढ़ाने चाहिए माना जाता है कि शिवलिंग पर आंकड़े से जन्मों जन्मों की गरीबी भी नष्ट हो जाती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव भोलेनाथ शिवशंकर महादेव जय माता दी जय मा लक्ष्मी जय बजरंगली